जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अवध विश्वविद्यालय में LLB 3 साल और 5 साल यानी कि LLB 3 ईयर्स और 4 ईयर्स के जो बैचलर ऑफ लॉ डिग्री में जिन बच्चों को एडमिशन लेना है उनको हम बता दें कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाने लगा है। कुछ बच्चों की शिकायतें थी कि LLB 3 साल का कोर्स यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव। आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म यहाँ पर भरना शुरू हो गया है। कैसे फॉर्म भरना है, आप अवध विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर आइए, आपको एडमिशन्स का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। जैसे ही बच्चों अगर आप एडमिशन पे क्लिक करते हैं आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको कैंपस एडमिशन 2023 बिल्कुल नया जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही बच्चों आप क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार का आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहीं से आपको फॉर्म भरना है, लेकिन इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे लेके चलूँगा। जैसे अगर यहाँ पे आप आते हैं ना तो कैंपस जहाँ पे आपने क्लिक किया तो आप यहाँ देखेंगे कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहले आप प्री रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, फीस पेमेंट करके। तो प्री रजिस्ट्रेशन कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। प्री रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक ट्रांजेक्शन आईडी मिलेगी, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है और यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी फिल करके यहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद आप अपना एकेडमिक्स डिटेल्स डालेंगे, जो भी आपने BA में, ग्रेजुएशन में या फिर इंटर में आपने जो भी मार्क्स पाया है वहाँ पे यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे। और उसके बाद आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इस चीज़ को यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन पे सबसे पहले तो आपको यहाँ से प्री रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप प्री रजिस्ट्रेशन पे आएंगे बच्चों, इस तरीके का इंटरफेस आएगा यहाँ पे। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि कहाँ पे है जो शो कर रहा है BA LLB या फिर LLB 3 साल के लिए। ये देखिए कोर्स टाइप में हम आ जाते हैं, कोर्स टाइप, ठीक है, कोर्स टाइप। कोर्स टाइप में जैसे ही आप आएंगे बच्चों, आप अंडर ग्रेजुएट कर लेंगे क्योंकि LLB अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत आता है। कोई भी बैचलर डिग्री अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत आता है, और कोई भी PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट, चाहे MA MSc MCOM MED, ये पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतर्गत आता है, ये तो सबको पता है। अब यहाँ पे आपको कोर्स, जैसे ही आपने सेलेक्ट किया बच्चों कोर्स टाइप के आगे कोर्स नेम, अब कौन सा कोर्स नेम तो आप देखेंगे, ये सारा चाहे BSc बायो, BSc मैथ, BTEC, चाहे आप किसी भी ब्रांच से करना चाहते हो, चाहे लेटरल इंटर लेना चाहते हो, ठीक है, सब यहाँ पे फॉर्म्स आ गए हैं। बी फार्मेसी भी आ गया बच्चों, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। ये वाली जो बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए बैचलर ऑफ लॉ 3 ईयर्स, करेक्ट, बैचलर ऑफ लॉ 3 ईयर्स और बैचलर ऑफ लॉ 5 ईयर्स। जिन बच्चों को LLB में एडमिशन लेना है बच्चों, यहाँ पर क्लिक करके आप डेफिनेटली आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा BCOM का आ गया है, BA के भी सारे फॉर्म्स आ चुके हैं। मैं आपको दिखा दूँ BA का ऑप्शन कहाँ पर दिखाई दे रहा है। BA में भी अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन आपका आ गया है। अभी मैं कहीं देख रहा था, जस्ट एक मिनट, बैचलर ऑफ फाइन, बैचलर ऑफ आर्ट, जी हाँ ये रहा, बिल्कुल LLB के नीचे बैचलर ऑफ आर्ट, ये भी फॉर्म आ गया। तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को फॉर्म भरना है वो फॉर्म भर लेंगे। मैंने इसी के लिए खास तौर पे वीडियो बनाई थी क्योंकि बच्चे यहाँ पे रिक्वेस्ट कमेंट कर रहे थे कि अभी LLB 3 साल का फॉर्म नहीं आया। तो आप देख सकते हैं आपके सामने लाइव मैंने दिखा दिया फॉर्म आ गया। अच्छा, इसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएट के फॉर्म आए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट में मैं खास तौर पर रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए पोस्ट ग्रेजुएट में अगर आप आ जाएंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट में खास मैं रिक्वेस्ट करूँगा MED बच्चों के लिए, क्योंकि MED बच्चों को पता नहीं चल पाता है कि फॉर्म कब आई है और निकल जाता है। तो MED का भी फॉर्म आ गया है, ये सारी चीज़ें तो आई हैं, मैं आपको MED का दिखा देता हूँ। और अगर आप कहेंगे तो और भी दिखा दूंगा कि कौन से, ये देखिए LLM और MED, देखिए बिल्कुल। जिन बच्चों को मास्टर्स करना है लॉ से या जिन बच्चों को मास्टर करना है एजुकेशन से, उनका भी फॉर्म यहाँ पे आ गया है, ठीक है। 1000 रुपये का फीस भरा जाएगा, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको 1000 का फीस अभी यहाँ पे अपडेट होकर आ जाएगा। 500 रुपये दिखा रहे हैं क्या, नहीं, ये 1000 का फीस है, जब ये डिटेल्स भरेंगे आप तो 500 रुपये आ जाएगा, ठीक है, 1000 रुपये आएगा। तो 1000 का फॉर्म, अगर 500 आता है तो 500 भर लीजिए। जैसे मैंने MED का फॉर्म भरा था, MED का तो 1000 रुपये दिखा रहा था, अभी 500 रुपये दिखा रहे हैं ना, जैसे आप डिटेल्स भरेंगे, चलिए अब 500 भी आ जाए तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वो तो जितना यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरीके से प्लीज़ जिन बच्चों को एडमिशन लेना है आप यहाँ पे फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। अगर कोई असुविधा आती है हमसे कम पूछ सकते हैं बच्चों। तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपली आप यहाँ पे अपना कैंडिडेट नेम डाल देंगे, कैटेगरी डाल दीजिए, कैटेगरी में जो भी आपका कैटेगरी हो, जैसे देख लेते हैं, कैटेगरी में जो भी आपका जनरल, EWS OBC जो भी हो आप डाल देंगे, यहाँ पे जनरल डाल दिया आपने, ओके। और फिर उसके बाद यहाँ देखिए 1000 रुपये हो गए, यहाँ पे 1000 रुपये हो गया, ठीक है। ये देखिए खेला कर रहा है हमारे साथ, कोई कौन फिरकी ले रहा है। मोबाइल नंबर आप डाल देंगे बच्चों यहाँ पे, और फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, चलिए हटाइए। नेशनैलिटी नो डाउट इंडियन रहेगा, आपने ब्लड ग्रुप पता है तो डाल देना है, नहीं तो आप नॉट नो कर दीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पे पापा जी का नाम, यहाँ पे आप सब कैटेगरी,
जो है नहीं तो नहीं डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, ईमेल आईडी, आधार नंबर, कोर्स नेम, और उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट ऑफ एल्जे, हाँ अगर आप पास हैं तो पास लिखिए, अगर आप अपीयरिंग है तो अपीयरिंग लिख दीजिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आई हियर बाई करके आप फाइनली सबमिट करेंगे, चले जाएंगे आप फीस पेमेंट पर। ठीक है, ऐसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, बट इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है कि जिसको समझाया जाए, आप आसानी से कर लेंगे। बाकी कोई असुविधा आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम देना है, बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा करें, आई होप कि आपको कैंपस मिले और आप अच्छे से पढ़ाई करें। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, असुविधा के लिए आप हमें कमेंट में संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दूसरों तक शेयर कर दीजिए, ताकि यार ऐसा तो टाइम निकल जाता है तो इसलिए बच्चे भर नहीं पाते, अब तुरंत भर लीजिएगा। नो डाउट अगर आपके पास एक परसेंट भी चांस है कि आपको पढ़ाई करना है तो आप एटलीस्ट फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भरने में 1000 रुपये लगने हैं, फॉर्म भर दीजिए, फिर उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, कैंपस मिल गया तो जरूर एडमिशन लीजिएगा। ठीक है, और सो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो देखने के लिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा नंबर करिए, जय हिंद, जय भारत साथियों।